नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय समय के साथ। निर्त विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होगा। निर्त विधानसभा में 11 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल किए थे। इस कूटनी में 2 प्रत्याशियों का नाम रद्द कर दिया गया। अभी मैदान में डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं 9 प्रत्याशी, जिसमें 2 प्रमुख हैं, न्यू वर्तमान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता भाजपा से हैं, माले से कॉमरेड अरुण चटर्जी। आइए लोगों से जानते हैं कि निरसा में कितना विकास हुआ और किस मुद्दा को लेकर लोग अपना मतदान करेंगे और किसके सर पे होगा ताज, कौन होंगे निराश। आइए लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। हम लोग येलो हैं सभी, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी आए मतदान करें। पब्लिक को कहना चाहते हैं काम करें, मतदान करें। यहाँ मुद्दा है विकास का, विकास है, नौजवान लोग का रोजी रोजगार का मुद्दा है। विगत 5 साल के 15 साल में एक भी उद्योग की स्थापना यहाँ पर नहीं हुई। जितने उद्योग थे सब उद्योग को बंद कर दिया गया। रोजगार क्या हुआ है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। नए चेहरे का यहाँ पर ये चुनाव करना चाहिए, उनके द्वारा क्या विकास होता है वो देखना चाहिए। लगातार यहाँ पर लाल झंडा किए रही, मैं उनको भी कहूँगा कि अगर जीत के आते हैं तो उद्योग तो बंद है, उस पर ध्यान दें। मैं तो जनता से अपील करूँगा हाथ जोड़कर जो भी चुनाव करें कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें और 20 तारीख को वोट देने वो जरूर आए। निर्सा विधानसभा में विकास का मतलब है उद्योग लगने। अपना अपना बूथ पर जाकर मतदान करें, 7 बजे से 5 बजे तक होगा। निर्सा में बदलाव चाहिए कि राज्य में भी बदलाव चाहिए। राज्य अपना सहयोग तो अरुण चटर्जी के साथ में है। हमारा विचार तो अरुण चटर्जी तरफ है। दादा मैंने अरुण क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे यही कि 20 तारीख को इलेक्शन है, अपना वोट जाया मत कीजिए, सबको वोट अपना आके बूथ पे दीजिए। किसको चुनेंगे आप? बीजेपी को। निर्सा विधानसभा में अपर्णा सेन का कोई खास काम नहीं, लेकिन बीजेपी से है तो बीजेपी को ही वोट गिरेगा। भाई हम तो ये कहना चाहेंगे कि चुनाव का माहौल है और जनता का ये अधिकार है, और आप लोग जो भी है, जो भी कैंडिडेट को चुने, अच्छा कैंडिडेट को चुने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सपोर्ट यहाँ के पूर्व विधायक अरुण चटर्जी के साथ है, कैसा लग रहा है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जगह जो है निरसा विधानसभा, समझ मैटर को नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ठीक है, यहाँ 3 पार्टी खड़ा है। अब 3 पार्टी में क्या इंसान करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा, क्या कैसे बोला जाए? कौन 3 पार्टी है? एक हो गए अशोक मंडल जी, हो गए अरुण चटर्जी जी, हो गए एक अपर्णा जी, हो गए। 3 बढ़िया पार्टी खड़ा है, मगर अभी समझ में नहीं आ रहा है इस मैटर क्या है नहीं है, किसको क्या करे। मोहम्मद अफ्ताब, वोट दे। इस नवंबर को वोट दे, सभी कोई अपने बूथ पर जाकर वोट दे। सबसे बड़ा विकास बोलिए तो अभी का युवा जो बेरोजगार है, ये सबसे बड़ा विकास है। एमपी एमएलए काम करे तो इस पर काम करे। उद्योग लगना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए, यही तो विकास है। जी जी, यहाँ पे उद्योग चाहिए, यहाँ पे मतलब जरिया कमाने का जरिया, बेरोजगार लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए। पर अपना अधिकार है देना, क्यों नहीं वोट देंगे? तो लास्ट में देंगे, रोड दे दीजिए, बिजली पानी दीजिए, हम लोग गरीब मर रहे, भूखे नहीं भर ले सकेगा तो क्या करेगा, माफ नहीं ना देगी। धन्यवाद। एमएन के सरकार 5 साल जो चला है इसमें बहुत बढ़िया, और अरुण चटर्जी भी काम किया है इस क्षेत्र में, उद्योग लगाया है, जो हम मॉस्को लाया है, और आने वाला दिन में अगर ये जीतता है तो काम अच्छा करेगा। तो माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार माहौल है। इस बार फिर से पूर्व विधायक अरुण चटर्जी और हम लोग जनता है, यहाँ का आम जनता है, और हम लोग का कहना यही है
यहाँ पर ना कोई रोजगार है, पहले से तो जो रोजगार था वो बंद हो चुका है। भाकपा माले एमसीसी अरूप चटर्जी को समर्थन कर रहे हैं। वोट उसी को दिया जाए जो विकास करे। ये फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, कोई रोजगार धंधा नहीं, जो फैक्ट्री था वो भी नीलामी हो चुका है। हमारा नाम अनूप सिंह हुआ। क्या मुद्दा लेके वोट दीजिएगा? बस यही एजुकेशन एंड मेडिसिन, बस दो ही होना चाहिए। तो सरकार पलटना है कि सरकार रखना है? ये तो नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है। विकास नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत होता है। हेमंत जी तो फ्री कर दिया दूसरे यूनिट। अरे यूनिट कर लिया, लाइन काट दे रहा है जो, उसी को ना वोट दिया जाएगा। तो यहाँ विकास मतदान तो है, मतदान देने जाना है और पूरे परिवार को साथ में लेके जाना है। मतदान इतना ही कहेंगे कि मतदान सभी को देना चाहिए। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।